मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम इन माई क्लास. आर चैप्टर इज आर फेस्टिवल्स. वी स्टार्टेड एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट आवर फेस्टिवल, दैट इज दिवाली एंड होली. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज पोंगल. ओके, अपन होली के बारे में अपन ने बात की और अपन ने दिवाली के बारे में बात की, ठीक है. और उससे अपन ने देखा कि अपनी जो ये फेस्टिवल्स हैं इनके, इनसे एक स्टोरी जुड़ी हुई है, ठीक है. तो स्टोरी इनसे क्या होती है जुड़ी हुई, उस स्टोरी के मतलब अपनी ये मान्यता होती है कि अपन उसके अकॉर्डिंग इसका जो फेस्टिवल है उसे बनाते हैं, ठीक है. और ऐसे ही अपन ने होली क्या अभी देखा है. देन नाउ पोंगल. पोंगल इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल. जो पोंगल है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल. अब हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है कि अपन मतलब जब मतलब कोई भी फेस्टिवल है अपन उस टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं जिस टाइम पे क्या होती है अपनी जो फसल है वो पक जाती है और उसको अपन हार्वेस्ट करते हैं. इट मीन्स फसल को काटते हैं. हार्वेस्ट करने का क्या मीन हो गया कि अपन क्या कर रहे हैं, फसल को काट रहे हैं. तो उस टाइम पे अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो वो फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल हो गया, हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, मेनली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है. और ये जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में. ओके, द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल इज कॉल्ड भोगी पोंगल, ठीक है. तो इस फेस्टिवल का जो फर्स्ट डे होता है, ठीक है, मतलब जिस दिन ये फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मतलब टू डेज का, मतलब जिस दिन पोंगल होता है उससे फर्स्ट डे जब होता है तो उस डे को भोगी पोंगल बोला जाता है, ठीक है. तो इसका जो फर्स्ट डे होता है भोगी पोंगल बोला जाता है इसको. इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ रेन गॉड, ठीक है. और ये किस अपने जो कौन से गॉड के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो रेन गॉड है, रेन गॉड से आपको पता है कि जो अपने जिसको आप क्या बोलते हो, इंद्र देवता, ठीक है. तो उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है. एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि मतलब इस ये भी क्या है, एक पार्ट है, ये भी इनका एक ट्रेडिशन है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का. ओके, तो ये जो एक्टिविटी है ये भी इस फेस्टिवल पे की जाती है. डन, नाउ नाउ यू कैन सी हियर. ओके, अभी देखो फर्स्ट डे की अपन ने बात करी. फर्स्ट डे के दिन क्या होता है इनमें, अभी अपन करेंगे सेकेंड डे की बात, ठीक है. फर्स्ट डे तो का जो होता है उसको अपन भोगी पोंगल बोलते हैं, ठीक है. एंड द सेकेंड डे इज कॉल्ड सूर्य पोंगल. फर्स्ट डे को तो आप क्या कहोगे, भोगी पोंगल. एंड सेकेंड डे को आप क्या कहोगे, सूर्य पोंगल. इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द सन गॉड. और ये जो फेस्टिवल है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जो गॉड ऑफ सन है, सूर्य देवता के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. तो सेकेंड डे किसके लिए हो गया, सन गॉड के लिए. एंड नाउ थर्ड डे ऑफ फेस्टिवल, और इसका जो थर्ड डे होता है फेस्टिवल के लिए उसको क्या कहेंगे अपन, मट्टू पोंगल. देखो फर्स्ट डे हो गया भोगी पोंगल, सेकेंड डे सूर्य पोंगल, और जो थर्ड डे है वो क्या हो गया, मट्टू पोंगल. पीपल वर्शिप द काउ फॉर गिविंग दैम मिल्क. ओके, और जो मट्टू पोंगल होता है उस दिन क्या होता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, काऊ की पूजा करते हैं. और कैसे पूजा करते हैं उसको, मिल्क देकर, ठीक है. कैसे पूजा करते हैं काऊ को, क्या देते हैं ये, मिल्क. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओणम. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओणम. अंडरस्टैंड, नाउ ओणम इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है. और जो ओणम है, अब अपने को पता है कि जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ का पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है, पर्टिकुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल आप बोल सकते हो, या फिर पर्टिकुलर और भी मतलब और भी ओकेजन्स के लिए फेस्टिवल्स से हमको सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये जो फेस्टिवल होता है ये मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल अब कहाँ का है, वो अपन ने देखा था वो जो फेस्टिवल है, ठीक है. मतलब अपन ने जो पोंगल है उसकी बात की थी, तो जो पोंगल है वो कहाँ का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो तमिलनाडु का हो गया. और अभी जो अपना नेक्स्ट फेस्टिवल है वो क्या हो गया, ओणम. तो ओणम कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया, केरला, ठीक है. केरला में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेम्बर, ठीक है.
ठीक है, और ये फेस्टिवल कब आता है, अगस्त और सितंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अंडरस्टैंड, ऑन दिस डे पीपल वर्शिप किंग महाबली। और इस दिन क्या होता है कि जो किंग महाबली है उसकी पूजा की जाती है। ओके, नाउ बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज, एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड एंड टेकन आउट इन प्रोसेशन। ठीक है, और इस दिन होता क्या है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख लो कि इस दिन क्या होता है कि ओणम फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि एक तो देखो जो बोट होती है उसकी मतलब उसकी रेस जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। बोट की रेसेस क्या होती है, ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। क्या होता है कि जो एलिफेंट्स होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है और उनको एक प्रोसेशन में एक लाइन में उनको क्या किया जाता है, उनको मतलब उनकी जो आप बोलते हो मतलब रैली निकाली जाती है, तो इस टाइप से कुछ होता है। ओके, नाउ दिस इज आवर ओणम फेस्टिवल। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज गुरु पर्व। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज गुरु पर्व। तो गुरुपर्व अपना जो फेस्टिवल है वो क्या, इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ये भी क्या अपना एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। नाउ एज यू कैन सी हियर, गुरुपर्व भी क्या अपना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ऑफ सिख। ठीक है, और गुरुपर्व कौन कौन मनाता है गुरुपर्व को, सिख। ठीक है, द सिख सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ देयर गुरुज। और जो सिख होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गुरु के लिए गुरुपर्व मनाते हैं, उनके लिए जो डे है करते हैं एज ए गुरु पर्व। जो सिख होते हैं वो अपने गुरुओं के लिए, अब देखो गुरु से आप समझ सकते हो जो टीचर्स होते हैं उनके लिए गुरु पर्व है, वह सेलिब्रेट किया जाता है। एज यू कैन सी हियर, गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट एंड गुरु गोविंद सिंह वॉज द लास्ट और टेंथ गुरु। ठीक है, तो जो गुरु पर्व है, ठीक है, तो उनके जो फर्स्ट गुरु थे वो तो कौन से थे, गुरु नानक। ठीक है, और जो लास्ट गुरु थे, ठीक है, जो टेंथ गुरु थे वो क्या थे, इनके गुरु गोविंद। ओके, नाउ ऑन दिस डे और इस दिन पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। और इस दिन लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं प्रे करने के लिए। बिग प्रोसेशन आर टेकन आउट। ठीक है, और इनमें क्या होता है, एक बिग प्रोसेशन होता है। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।